हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मानसी मेंदोला देवभूमि उत्तराखंड गुरुद्वार से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो अभी बज चुके हैं रात के 8, तो हमारे पड़ोस में आज शादी है, तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही हूँ, बस दादी और दिशी नहीं आ रहे, बाकी हम सब के सब जा रहे हैं। तो आज है न्यू ईयर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में रहना मस्त करके, पूरा ब्लॉग देखना क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्या पता मैं डांस भी करूँ, कोई मेरी फ्रेंड्स वगैरह मिल जाएंगे तो मैं उनसे भी मिलाऊंगी आप लोगों को। और वहाँ पे आपको पता होगा डीजे वगैरह बजेंगे, तो मैं पीछे से आवाज़ में रिकॉर्ड कर दूंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ दिशी ला गई थी मेरे चाबी स्कूटी के लिए, क्योंकि मैं तो स्कूटी में जा रही हूँ और लोग सबके सब मम्मी मम्मी और पापा और उर्वशी तो स्कूटी में चले गए, मैं दूसरी स्कूटी में अपने आप जाऊँगी। तो जब मैं वेडिंग पॉइंट में पहुंच जाऊंगी तब मैं आपको मिलती हूँ। वेडिंग पॉइंट में मेरी शादी बाद मैं आपको बताना भूल गई। और हमारा हो चुका है ब्लॉक स्टार्ट, एक चीज हम लोग नहीं भूलेंगे, हर हर महादेव सिद्ध बलि बाबा की जय। तो चलते हैं आप शादी में। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ फाइनली शादी में स्कूटी में। तो मैं अकेले आई थी स्कूटी, मैंने आपको बताया होगा। तो मेरी मम्मी लोग सबके सब वेडिंग पॉइंट के अंदर है। तो इस टाइप का ये वेडिंग पॉइंट था, ये था गुरुद्वार के बेला डाट में एक वेडिंग पॉइंट था। तो हम लोग वहीं गए थे शादी में, मतलब आज न्यू ईयर है तो देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए सबके सब। तो चलो उससे पहले मैं आप लोगों को जो ये वेडिंग पॉइंट है ये दिखा देती हूँ। आगे की तरफ था जैसे कि बैठने का, दूसरी तरफ था यहाँ पे खाना खाने का, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोफ़ा लग रखा है, वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचने का था, बहुत अच्छा, मैंने भी फ़ोटो खींची। और ये रहे मेरी मम्मी और पापा। मम्मी देखो गोलगप्पे खा रही है यहाँ पे। ये मेरी मम्मी का लुक मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद, तब तक देख लेते हैं और क्या क्या है खाने के लिए। और यहाँ पे था टिक्की गोलगप्पे, ये चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी दिख गई होगी आप लोगों को, यहाँ पे आराम से गोलगप्पे खा रही है। मम्मी को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं चली गई थी पहले खाना खाने के लिए, फिर मेरे को याद आया कि यार पहले चाउमीन ही खा लेते हैं। चलो यार, चाउमीन ना मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं कहीं भी जा दूँ सबसे पहले ना चाउमीन ही खाती हूँ। और यहाँ पे मेरे को बुआ भी मिल गई है, तो मैं आपको बुआ से मिलाती हूँ। तो बुआ थी यहाँ पे, टिक्की खा रही थी बुआ भी यहाँ पे। तो आवाज़ तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगी अपनी, तो मेरे को उसे रिकॉर्ड करनी पड़ी। मेरी मम्मी एकदम कैमरा ना मेरे मुँह के सामने लेके आ गई, यार ये दीदी लोग है, मेरी फ्रेंड है। तो मेरी मम्मी एकदम बोली कि चल अब खाना खाने चलते हैं। तो मैंने अपने के लिए खाने लिए अपनी फ्रेंड के साथ, तो वो कह रही मत ले, मुझे उसको शर्म आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो कैसी लाइटनिंग, मतलब लाइट वगैरह से कैसे चमक रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं कहाँ बैठूँ, फाइनली यहाँ पे मेरे को और मेरी दोस्त को यहाँ पे चेयर मिल गई थी। तो हम लोगों ने आराम से यहाँ पे खाया, फिर उसके बाद हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो यार कुछ मीठा खा लेते हैं, और मैं चली गई थी रसगुल्ले खाने के लिए, ओ सॉरी गुलाब जामुन खाने के लिए। तो गुलाब जामुन ना सबको ही पसंद होगा मीठा, मैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ घूमने लग गए कि देखो कितना मस्त आ रखा है ना शादियों, सब सज रखे थे, अच्छा लगता है शादियों में जाके। और ये था अंदर की तरफ जहाँ पे सब बैठ रखे थे। मैंने सबसे पहले खाने चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं थी लड़के वालों की तरफ से, तो मैं आपको भैया से मिलाती हूँ, पर मेरी बहन को भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए, उर्वशी को आइसक्रीम खा रही है। तो ये रहे भैया और भाभी, लड़का लड़की का एक ही साथ था दोनों का, तो इस वजह से दोनों के दोनों मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा चलो थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते हैं, जब हम लोग आ रहे कैसे हो सकता है कि मैं किसी शादी में जाऊँ मैं डांस ना करूँ। तो यहाँ मेरे को मिल गई मेरी बचपन की फ्रेंड्स, मतलब दोस्त लोग थे मेरे, तो उनके साथ मतलब मोहल्ले के थे वो लोग भी हमारे, तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ थोड़ा बहुत डांस करा। तो मेरा डांस तो आप लोग इग्नोर करना, बाकी आप सबका डांस देख लेना।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा का जो ब्लॉक है शादी का तो कम लग रहा है, हमारा डांस का यहाँ पे लगे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, छोरी चंद राजा दन शर्मा अपने बाबू थे इतना टरका, जो ये वाला गाना, इस गाने में डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा गाना है ये। फिर हमारे सामने जो कैमरामैन भैया थे वो भी हम लोगों को देखा कि भाई ये लोग डांस कर रहे थे, हमारी तरफ ही आ गए वो कैमरा लेके। एक बार नहीं बहुत बार आए वो कैमरा लेके, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया दोस्त लोगों के साथ डांस करके। तो मेरे डांस मेरे को देख के बहुत हंसी आ रही है कि मैं कैसे डांस कर रही हूँ। बाकी तो थोड़ा बहुत आता ही है मुझे डांस, इतना अच्छा नहीं आता कि मैं बोल सकूँ हाँ हाँ कि मेरा डांस अच्छा है। तो यहाँ हम लोगों ने डांस कर रहे थे तो हमारा ना डांस ही बंद नहीं हो रहा था, हम नॉन स्टॉप डांस कर रहे थे। तो हम लोगों ने पूरे 10 बजे तक डांस किया जब तक डीजे बंद नहीं हुआ। तो शादी में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, साथ में जो ग्रुप डांस हम लोग कर रहे थे ना उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये मेरी फ्रेंड थी काजल और कंचन, तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने डांस वगैरह किया। बाकी मेरी मम्मी लोगों ने तो नहीं करा, बट मेरे को बहुत मज़ा आता है डांस करने में। जैसे डीजे में डांस कर लो, माना ऐसा नहीं कि हम लोगों को एकदम परफेक्ट डांस करे, अपने इंजॉय के लिए जैसे भी आप लोगों को डांस आता है ना वैसे कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई लोग क्या सोचेंगे कि हम कैसा डांस करें, ऐसा नहीं, जैसा भी मन करे वैसे डांस करो, मेरे ही डांस देख लो, मैं पता नहीं क्या डांस कर रही हूँ। बट ये है कि चलो शौक है तो मान नाचो अपना मस्त करके इंजॉय करके। और ईशा ने वीडियो बना रखी थी जिसके साथ मैं खाना खा रही थी, आपने देखते हो, वो भी मेरी फ्रेंड है तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई, थैंक यू ईशा। तो चलो आप लोग हमारा दोबारा से डांस देख लो। तो आप लोगों ने हमारा डांस देख दिया होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके का ये वेडिंग पॉइंट था। मैं आपको क्या पता अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, तो ये रहा, यहाँ सब के सब देख रहे थे हमको डांस करते हुए, बट कोई नहीं, अपने अपने मस्त में थे, हम डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा थक गई थी डांस करते करते, क्योंकि मैं इतना अच्छा डांस नहीं करती, मैं जितना भी करती मैं थक जाती हूँ फिर डांस करके। तो यहाँ पर जो दादाजी डांस कर रहे थे ना, इतना मज़ा आ गया ना उनका डांस देख के, आप लोग भी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे थे दादाजी डांस। फिर उसके बाद जो दूल्हे हैं भैया, तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे अपनी बहनों के साथ या अपनी मतलब सभी के साथ डांस कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने भी किया भैया के साथ थोड़ा बहुत डांस, तो भैया ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे डांस करा, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे भैया का डांस। तो यहाँ पे गढ़वाली गाने में डांस चल रहा था। फिर उसके बाद तो मैं तो थक गई, मैंने कहा भैया मैं तो नहीं कर रही हूँ, तुम ही दो कर लो। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे डांस करने लग गए थे।
तो अभी बज चुके हैं 10 और जो डीजे बंद हो गया है, तो हम लोग चले गए थे कुछ फोटोज खिंचाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप कर रखा था फोटोज वगैरह खींचने के लिए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या था। तो खाने में सब के सब चीज़ें थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि खाने में नॉर्मल क्या था, जैसे दाल चावल, जैसे पूरी और पापड़, ये सब के सब जो चीज़ें थी ये थी। तो मैंने सोचा चलो बूंदी जैसी सब्जी वगैरह सब के सब चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलो आपको बताया जाता है कि खाने में क्या क्या था। तो ये सब चीज़ें थी खाने में और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ गया था हम लोगों को। फिर हम लोग चले गए थे कुछ रील्स बनाने के लिए। तो ये मेरी चाची है, तो चाची ने भी यहाँ पर कुछ पोज मारे फ़ोटोज़ के, कुछ रील्स के, और यहाँ पर काजल पोज बता रही है। फिर हमने सोचा चलो हम लोग भी एक रील बना देते हैं, तो फिर हमने भी एक रील बनाई गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक गाने में रील बनाई, मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका मेरे रंगली पिछौड़ी, जो ये वाला गाना है आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा चल रखा है, बहुत ट्रेंडिंग गाना है। तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम में इसमें रील बनाई थी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने घर शादी से, और मैं अपनी छोटी बहन के साथ आई थी उर्वशी। पहले तो पापा मम्मी के साथ गई थी, आते हुए मेरे साथ आ गई थी। और अभी बज चुके हैं रात के 10:30 अब हो गए। तो मैं क्या पता आपको अच्छे से जो न्यू ईयर का ब्लॉग अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि डीजे वगैरह तो बजते ही न्यू ईयर में। बट ऐसा लग रहा था ना मुझे कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट ना लग जाए, क्योंकि हम जब डीजे वाले गाने डालते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ, इसलिए मैंने ना पीछे दे वॉइस ओवर अपनी कर दी थी और साथ में गाने भी मस्त वाले लगा रखे। तो उम्मीद तो मुझे है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो और मैंने ना बिल्कुल हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं बना रखा था, देखो मैं ऐसी चली गई थी जल्दी जल्दी बाजी में। तो मेरी छोटी बहन उर्वशी बोली कुछ हेयर स्टाइल तो बना के आती, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है अपना सिंपल जाओ बढ़िया है। और मैंने अपनी बर्थडे वाली जो ड्रेस थी वही पहन रखी, क्योंकि एक ही बार की पहन रखी थी, मैंने सोचा आज पहन ही लेते हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। ओके बाय फ्रेंड्स।